नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में लगातार हो रहे खुलासों ने तोड़ा युवाओं का सब्र। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में युवाओं ने किया धरना प्रदर्शन। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर अब युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में आज युवाओं ने चौगान पाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड आज घोटालों वाला प्रदेश बन गया है। एक के बाद एक जिस तरह भर्तियों में धांधली सामने आ रही है, उससे प्रदेश के युवाओं में हताशा व निराशा का माहौल है। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में लगातार 20 वर्षों से जिस तरीके से जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसमें धांधलियाँ हो रही है, उसके विरोध में आज लगातार यहाँ गांधी पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में लगातार एप्लीकेशंस वायरल हो रही है कि मैं एक निर्धन परिवार से हूँ और उसकी नौकरी लग जा रही है, तो एक आम गरीब छात्र जो मेहनत करके अपनी पढ़ाई करता है, उसके भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसकी CBI जाँच के लिए आज पूरा युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुआ है। हम धीरे धीरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दें। आज हमने लोकगीतों के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया है, मुख्यमंत्री को चेताने का काम किया है। और हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, हमारी पूरी युवा टीम उनसे ये कहना चाहती है कि जो भी यूके ट्रिपल एससी में CBI घोटाला हुआ है, उसकी CBI जाँच की जाए और जो भी इसमें लिप्त व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि अभी तक जो भी जांच सरकार के द्वारा कही गई है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने के लिए है, क्योंकि अभी तक CBI जांच के किसी तरीके से कोई आदेश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सरकार से लिप्त लोग हैं और सरकार के जो भी नेता हैं उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको बचाने की ये साजिश की जा रही है। युवा ये मांग करता है कि इस प्रकरण में CBI जांच की जाए। सालों से हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपने कॉलेज पूरा करने के बाद 3-4 साल हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप लोग हमें पहले ही बता दीजिए कि एप्लीकेशन लिख के होता है। हमें तो पता ही नहीं था ना कि एप्लीकेशन लिख के नौकरी मिल रही है। हम भी समय पर एप्लीकेशन लिखते और हम भी नौकरी करते यार। हम कोई बहुत बड़े पद पर हमें बैठा दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमें केवल अपना पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तो रोजगार दे दो। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आजकल कोई पेपर होता है तो उसका लीक, पेपर लीक पहले हो जाता है। हम घर बाद में पहुंचते हैं, मोबाइल में पहले सूचना आ जाती है कि पेपर लीक हो चुका है। कोई पेपर लीक होता है तो अगली बार वो पता नहीं कब होता है, पेपर होते हैं रिजल्ट नहीं आता, तो लोग कहते हैं पलायन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पलायन नहीं होगा तो क्या होगा? और ये मुद्दा केवल रोजी रोटी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मुद्दा संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। जिस जगह पर लोग रहते हैं वहाँ की संस्कृति बचती है, जहाँ पर लोग ही नहीं रहेंगे आप वहाँ की भाषा को, वहाँ की संस्कृति को कैसे बचा लेंगे? जब हम अपनी रोजी रोटी के लिए पलायन करेंगे, हमारे पहाड़ खाली होंगे, तो आप संस्कृति का रोना रोते रहिएगा। फिर कोई संस्कृति नहीं बचेगी, क्योंकि सबसे बड़ी आग पेट की आग होती है। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा, ना कोई संस्कृति बचेगी, ना ही कोई भाषा बचेगी। की एक ही मांग है कि आप इसमें निष्पक्ष और उचित स्तरीय जांच कराइए और वहाँ पे युवाओं का पक्ष सुना जाए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका पक्ष सुना जाए। और दूसरा, जो बैकडोर भर्ती का जो मामला आ रहा है उसको अगर हम देखें तो वो तो भाई भतीजावाद इनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत मुझे लगता है कि है। वहाँ पर इन लोगों ने अपने ही लोगों को भरना है, वो उन्होंने किया है। लेकिन अगर जाँच होगी तो उच्च स्तरीय जाँच हो, और जो जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमसे फीस ली जाती है, हम अगर कोई फॉर्म भरते हैं, आप अगर कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके फॉर्म की एक फ़ीस भरी जाती है, तो उसके नाम पे करोड़ों लाखों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। और जिन युवाओं से पैसा इस तरीके से वसूला जाता है, उस चीज़ पे जो जांच होगी उस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो घोटाले सामने आ रहे हैं उनको बड़े स्तर पे ले जाने की जांच होनी चाहिए। और जो सरकारें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि आगे से ऐसी गलतियाँ या धांधलेबाजी ना हो। हल्द्वानी में दाह संस्कार को लाए गए 3 शव उफनाई नदी में बहे अधजले शवों की तलाश अभी भी जारी। जिले के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बिगड़े मौसम का जनजीवन को खासा प्रभावित कर रहा है। गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट घोषित करना पड़ा। रानीबाग चित्रशिला घाट में दाह संस्कार को लाए गए 3 शव अचानक उफनाई गौला में बह गए। काफी ढूंढ खोज के बाद भी बरामद नहीं किए जा सके हैं। बेरीनाग में सड़कों पर उतरे युवा, विधानसभा में 560 पदों में बिना विज्ञापन नियुक्ति के खिलाफ किया प्रदर्शन। विधानसभा में 560 पदों में बिना विज्ञापन नियुक्ति के खिलाफ युवाओं में गड़ाई। गंगोली में बिना विज्ञापन के 560 नियुक्तियों के खिलाफ युवाओं ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे
और युवाओं ने कहा कि हम रात दिन नौकरी पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन राज्य बनने के बाद दोनों कांग्रेस और भाजपा सरकार द्वारा अपने अपने चहेतों को विधानसभा में नियुक्ति दी जा रही है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। विधानसभा सचिवालय में करीब 600 पदों पर भर्ती घोटाले की भर्ती की थी, नेताओं के मनमानी पर, उनके दबाव पर, जिससे युवाओं के भविष्य पर खिलवाड़ किया गया तथा युवा अभी आक्रोशित हैं तथा मेरा सरकार से निवेदन है कि इन नियुक्ति को निरस्त कर नई दोबारा विज्ञप्ति निकाली जाए तथा इस नियुक्ति पर CBI की जाँच की जाए। बेरीनाग के बाद भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे सहित कई सड़कें हुई बंद, जगह जगह फंसे यात्री, ट्रैफिक किया गया डायवर्ट। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश आफत बनती जा रही है। बारिश के बाद मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे सहित प्रदेश भर में कई रास्ते और सड़कें बंद हो चुके हैं। हाईवे और सड़कें बंद होने से जगह जगह यात्री फंस गए हैं। प्रशासन द्वारा बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम बाधा बना हुआ है। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक डायवर्ट कर यात्रियों को दूसरे रूट से भी भेजा जा रहा है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।